हेलो, ओके सो गाइस वेलकम बैक एंड वेरी गुड आफ्टरनून एंड आई होप यू गाइस कैन हियर मी क्लियरली सो इफ आई एम एंड विजिबल प्लीज डू लेट मी नो सो दैट वी कैन गेट स्टार्टेड सेशन राइट अवे, तो अगर आप सब मुझे सुन पा रहे हैं देख पा रहे हैं तो हम आज का सेशन अगर आप चाहें तो हम शुरू कर सकते हैं श्रावंती हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून कैसे हैं वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एक बार कंफर्म करेंगे अगर ऑडियो वीडियो ठीक है तो ताकि आज का सेशन आगे बढ़ाया जा सके वॉइस इज़ लो ओके मेरे को आ, कुछ सेकंड्स का समय दीजिए अभी देखिए ज़रा अभी क्या थोड़ा बेटर हुआ है वॉल्यूम अभी देखें ज़रा आ, अभी मैंने थोड़ा सा चेंज किया वॉइस के सेटिंग में तो अगर अभी बेहतर है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं वेरी गुड आफ्टरनून सलीम कैसे हैं वेरी वेरी गुड आफ्टरनून चलिए जी तो शुरुआत करा जाए आज का सेशन तो जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है सौरभ जुनेजा और मैं मैनेजमेंट का फैकल्टी हूँ बाई जूज एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे और एप्लीकेशन पे मैं फ्री सेशंस लूँगा हर थर्सडेज और हर सैटरडे दोपहर तो दो बजे और यूट्यूब पे आप मेरे संग कनेक्ट कर सकते हैं लाइव हर थर्सडे और हर फ्राइडे दोपहर बारह बजे चूंकि आज थर्सडे है और बारह बज रहे हैं मैं आपके सामने हाजिर हूँ और दोपहर दो बजे आज ही क्योंकि गुरुवार है तो हम एप्लीकेशन पर भी एक सेशन करेंगे टेलीग्राम चैनल का ये लिंक है जिससे आप कनेक्ट करके सारे के सारे, सारे सेशंस के आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे और आज जो है हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का तो आपके पेपर टू में यूनिट नंबर दो के दो हिस्से हैं एक ओ बी आता है और एक थोड़ा सा एच आर का बिगनिंग पार्ट आता है तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है आधा यूनिट आप मान के चलिए इतना वेटेज है इसका पूरे के पूरे दस यूनिट्स में और ओ बी से आपको चार से छः क्वेश्चन जनरली हर साल देखने को मिलते हैं इसमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ओ की थ्योरीज आपको थोड़ा देखनी पड़ेंगी मैं पहले आपको इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ साथ ही साथ आपको ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशन ओ डी के अराउंड कुछ क्वेश्चन आते हैं तो वो आप थोड़ा देखिएगा फिर इंडिविजुअल बिहेवियर में मोटिवेशन लर्निंग परसेप्शन से क्वेश्चन आप ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ग्रुप बिहेवियर में जो है आपका ग्रुप बिल्डिंग और टीम बिल्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और अगर मैं बात करूँ ट्रांजैक्शन एनालिसिस की तो वो पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट है राइट तो उसमें पैकि को मॉडल आ जाएगा आपका और आपका जहरी विंडो आ गया और भी ट्रांजेक्शन अनलिसिस के लाइफ स्टेटस और लाइफ स्टेजेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ठीक है तो मैंने आपको एक आउटलाइन दे दिया अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं ओ की और ये टॉपिक्स आपके लिए सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट हैं हाई वेटेज टॉपिक्स हैं तो इनको मत मिस करिएगा आज मैं क्या लेके आया हूँ आपके लिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हम ओ में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ज़रिए इन ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम रिवाइज़ करेंगे राइट right? तो हर क्वेश्चन में आपके सामने फ्लैश करूँगा आप डिमांड करेंगे तो मैं हिंदी में भी आपको दिखाऊँगा कोशिश करिएगा इन क्वेश्चन का आंसर जो है साथ साथ लगाइएगा ठीक है जी चलो सो विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ ओ वी आर करेक्ट तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के एलिमेंट्स से बात जो है वो सही कर रही है तो द ग्रुप ऑफ पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन में बिग और स्मॉल फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑफिशल और अन ऑफिशल तो ये भी बोल रहा है दूसरा पीपल अप द इंटरनल एंड सोशल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बोल रहा है कि लोग ही इंटरनल और सोशल सिस्टम बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन का दूसरी बात तो बोल रहा है स्ट्रक्चर डिफाइन दमलेशनशिप्स ऑफ दीपल इन दर्गेनाइजेशन यहाँ स्ट्रक्चर से हमारा मतलब है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डी बोल रहा है ऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट ओनली विद इन एन इंटरनल एनवायरनमेंट ऑप्शन डी बोल रहा है कि सारी के सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इंटरनल एनवायरनमेंट के भीतर ही काम करती हैं डी बोल रहा है दी टेक्नोलॉजी यूज्ड डज नॉट हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन वर्किंग रिलेशनशिप्स तो इनमें से आपको वो ढूंढने हैं जो फॉलो होते हैं यानी कि जो भी से संबंधित बात है सोच समझ के मुझे आंसर बताएं जब तक मैं विकास कुमार को हेलो बोल दूँ करण को हाय बोल दूँ और सुमा मूर्ति वेलकम टू द क्लास तो ऑब्वियसली ये तो हो ही नहीं सकता अगर ये टेक्नोलॉजी अगर इम्पैक्ट नहीं कर रहा होता तो वाई इज इट दैट दी ऑर्गेनाइजेशंस आर एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी एवरी डे सो ई इज़ एब्सोल्यूटली नॉट करेक्ट तो जहाँ कहीं भी ई e है यू कैन चॉक दिस ऑफ सो ड मेक सेंस नाउ डी ऑल्सो इज अ प्रॉब्लम वाई ऑर्गेइजेश डोंट ऑपरेट ओनली विद इन एन इंटरनल इन्वा ऑपरेट विद इन एक्सटर्नल इनवायरमेंट राइट ओनली विद इन इंटरनल इज समथिंग विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल तो डी भी जहाँ कहीं आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच द आंसर इज ऑप्शन बी वॉइस लो है अच्छा जी अभी भी लो है क्या वॉइस अभी भी लो है ज़रा कंफर्म करेंगे बच्चा लोग कंफर्म करें वॉइस अगर लो है तो हेलो हेलो वॉइस लो बता रहे हैं बच्चे कुछ हेलो हेलो जितना आ, मेरी तरफ से हो पाया मैंने उसको थोड़ा ठीक करने का कोशिश करा है अभी देखें जरा अभी थोड़ा बेटर हुआ है क्या इज इट बेटर नाउ स्लाइटली बेटर ठीक है थैंक यू जी थैंक यू सो मच चलो जी आप लोगों का इनपुट जरूरी है तभी हम इम्प्रूव कर पाते हैं बट बहुत ही धीरे है सर वॉइस इतनी धीरे तो नहीं है दोस्त अरे यार एक सेकेंड एक सेकेंड रुपये लेट मी स्व माई माइक वर्क्स हेलो अभी बेटर नाउ हो क्या कुछ राहत आप लोगों को मिली अभी थोड़ा तो मेरे ख्याल से बेटर होना चाहिए अभी बताएं जरा चलो जी तो अब जो जितने भी उपाय थे मैंने कर लिए सारी ट्रबल शूटिंग कर ली मैंने अब मेरे पास मेरे तरकश में और कोई तीर नहीं बचा क्या मैं इसका कोई और इलाज कर सकूं तो वॉल्यूम जितना मुझसे बढ़ सका मैंने कोशिश तो कर ली और अब आप लोग मुझे बताएं अच्छा थोड़ा सा और एक बार और जोर लगाते हैं देखें ज़रा हेलो हेलो अब इससे बेहतर अपन नहीं जा पाएंगे दिस इज़ माई बेस्ट ट्राई चलो मैं हर्षराज डेली नहीं ले पाता हूँ यूट्यूब पे क्लासेस क्लासेस मेरी आपको मिलेंगी गुरुवार और शुक्रवार यानी थर्सडेज और फ्राइडेज फार so और एप्लीकेशन पे थर्सडेज और सैटरडेज राइट स्लाइटली बेटर तो ये स्लाइटली बेटर के संगी अपन को काम चलाना होगा चलो जी आगे बढ़ते हैं लेट्स नॉट वेस्ट टाइम लेट्स लेट्स होल्ड दस टूगे राइट चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपको मैचिंग करना है तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अलग अलग अप्रोचेज हैं आपने देखा है ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच आपने देखा है कंटिनजेंसी अप्रोच आपने देखा है प्रोडक्टिविटी अप्रोच और आपने देखा है सिस्टम्स अप्रोच तो आपको सही मैचिंग यहाँ पर सही अप्रोच से करना है क्वेश्चन नंबर टू ये रहा आपके सामने मैच करके मुझे बताएं कि यहाँ पर क्या होगा सही आंसर हाँ ठीक है कंटिन्यू करेंगे चलो जी ऑप्शन ए बोल रही हैं श्रावंती बाकी लोगों का क्या कहना है जरा बताइए तो जरा देखो मैं हमेशा से कहता हूं इस तरीके के लंबे चौड़े क्वेश्चन में ना ज्यादा दिमाग मत लगाया करो आपके पास की वर्ड्स हैं तो पहले तो इन की वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लो बात समझ में आया तो प्रोडक्टिविटी जो है आपके आउटपुट आपके

तो डी का तो वन होना ही चाहिए लो अरे वाह ये तो कमाल ही हो गया पूरी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और काम बन गया हमारा बट वट आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज दैट टू रीड दर क्वेश्चन तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में अगर आप सब कुछ पढ़ने बैठोगे ना तो आप पढ़ते रह जाओगे अगर समय कम है तो आपको की पॉइंट पता होने चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स इज वॉट ह्यूमन रिसोर्स इज कंसर्न विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल बिकॉज दिस इज सेंटर्ड टूवर्ड्स दैन पावर तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है हमारा फोकस हमारे संग जो काम कर रहे हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे भी होना चाहिए तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तो दोनों ही ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच के हिस्सा हो गए तो आप यहाँ से भी ए का मैच कर सकते हैं टू कंटिजेंसी तो मैंने बोला सिचुएशन बेस्ड है तो यहाँ पर आपकी कहानी आ गई डिफरेंट सिचुएशन पर डिफरेंट बिहेवियर चाहिए तो सी का बी का हो गया थ्री और सी का प्रोडक्टिविटी अप्रोच इज़ फोर इट इज़ द रेशो दैट कम्पेयर यूनिट्स ऑफ आउटपुट विध यूनिट्स ऑफ़ इनपुट आउटपुट इनपुट की मैं बात कर ही रहा था तो आई थिंक ये इज अगर आपने ये पढ़ी हुई हैं कई बच्चे जब मैं पढ़ाता हूँ बोलता हूँ कि सर ये याद कैसे करेंगे आपको याद करने ही नहीं है अगर आप रट्टाफिकेशन करेंगे तो यही प्रॉब्लम होगा कि आप इसका तालमेल बिठाने में ही समय लगा देंगे मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ आपको इस तरीके के एग्ज़ाम्स में रट्टाफिकेशन नहीं करना है आपको बस कंसेप्ट को इस तरीके से बिठाना है दिमाग में कि अगर आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप इस क्वेश्चन को सही तरीके से अप्रोच कर पाए एग्जामिनेशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप याद रखें आपसे कोई पूछ नहीं रहा है एक चीज लिख के आप कनेक्ट कर सकें दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट राइट सर क्लास का टाइमिंग क्या है बिंदु जी क्लास का टाइमिंग है बारह बजे बारह बजे से आपके आगमन तक <laughs> चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी चलिए लेट्स 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 टेक अप अनदर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री राइट फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट दी ऑपरेंट अच्छा लर्निंग

मैनिपुलेटिंग इज्स रिवॉर्ड सिस्टम एंड ऑप्शन नंबर डी इज सेंग ऑपरेंट कंडीशनिंग इज इनवॉल्टी बिहेवियर एंड इट इज डिटर एंड कंट्रोल्ड बाई इट्स कॉन्क्सेस इनमें से कौन सी बात नहीं है सही और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ऑपरेंट ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो कहाँ से आई अगर आप नाम दे सकें मुझे बंदे का तो बहुत बढ़िया हो जाएगा तो यहाँ आप देखो आपसे पूछा गया उनमें से कौन सी चीज़ ट्रू नहीं है तो पंकज बोल रहे हैं ए देखिए ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग का थ्योरी है इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते तो पावरफुल टूल है इसीलिए इसको डिस्कस किया जा रहा है यस yes, किडर ने दिया था बहुत ही शानदार कारण तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है ये एक इम्पॉर्टेंट है तो वन तो आपका आंसर नहीं हो सकता डी ज़रूर आपका आंसर हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आप देखो इनवॉलेंट्री बिहेवियर की बात हो रही है तो देखें जरा यहाँ पर जो आंसर बैठता है वो बैठता है ऑप्शन डी क्यों ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अ पावरफुल टूल फॉर मैनेजिंग पीपल इन दी ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट बिहेवियर्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन आर लर्न कंट्रोल्ड एंड ऑल्टर्ड बाई दी कॉन्सिक्वेंसेस कॉन्सिक्वेंस अच्छा होगा तो उसी तरीके से हम अपना काम करेंगे कॉन्सिक्वेंस अच्छा नहीं होगा तो हम अपना काम अलग तरीके से करेंगे तो ऑपरेंट बिहेवियर्स मैनेजमेंट कैन यूज दी ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसेस सक्सेसफुली

तो इस तरीके से आपको फर्क पड़ेगा चलो आगे बढ़ते हैं विच ऑफ दी फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट दी साइकोलॉजिकल दॉिकल अमंग इंडिविजुअल्स इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है अबाउट दी साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस इंडिविजुअल्स के बीच में साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस को लेके कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है दी पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज फॉर्म ओनली ड्यूरिंग हिज फॉर्मेटिव हिस्समैलिटी डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज ओनली ठीक है और हमें पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है क्या है करेक्ट है चलिए तो द थ्री मेजर टाइप्स ऑफ फैक्टर्स एट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन पर्सनैलिटी फॉर्मेशन आर डिटरमेंट्स स्टेजेस एंड ट्रेड्स ठीक है जी एन एटीट्यूड इज अ लर्नड प्री डिस्पोजिशन टू रिस्पॉन्ड इन कंसिस्टेंटली फेवरेबल और अनफेवरेबल मैन है विद रिस्पेक्ट टू अर गिवेन ऑब्जेक्ट चौथा है अनएम्प्लॉ विद स्ट्रॉन्ग इन इन्वॉल्वमेंट इज इज मोटिवेटेड बाई इंटरशिक मोटिवेशनल फैक्टर्स और पाँचवा है लर्निंग इज़ अ टेम्प्री चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस और री इन्फोर्स्ड प्रैक्टिस बताएं जी सुमा इस सेंग सी श्वेता इस सेंग सी श्रावंती सेंग सी ये से, क्योंकि देखिए ए तो पक्के में ही नहीं होगा और अगर ए नहीं होगा क्योंकि अकेला फॉर्मेटिव ये में तो नहीं बनती पर्सनालिटी हमारी इवॉल्व होती रहती है तो ए वाली जगह तो हम हटा ही सकते हैं बी सी डी और बी सी ई में देख लेते हैं तो ई लर्निंग इज अ लर्निंग इज अ परमानेंट चेंज टेम्प्ररी चेंज नहीं होता लर्निंग इज अ परमानेंट इज अ लॉन्ग लास्टिंग आप चलना सीख गए आप स्विमिंग सीख गए आप बोलना सीख गए अभी आपके संग हमेशा रहेगा राइट तो लर्निंग इज़ इज़ मोर लेस लाइक अ अ इट लॉन्ग लास्टिंग चेंज बी सी डी हमारे लिए सही है चलिए तो आ, आज ऐसे ही मैं पढ़ा रहा था एक क्लास में और मैं कुछ पढ़ रहा था तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ था आपको किस्सा सुनाता हूँ आपको लर्निंग से रिलेटेड एक किस्सा भी सुनाता चलू ताकि आपको समझ में आए तो आज मैं क्लास में पढ़ा रहा था ऐसे ही और सामने एक क्वेश्चन था मैंने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ा और क्योंकि मैं बहुत तेज़ी तेजी में पढ़ रहा था और मैंने क्वेश्चन पढ़ा मैंने देखा ये वर्ड जो है मेरे को गड़बड़ लग रहा है मैंने देखा यार ये वर्ड जो है मेरे को गड़बड़ लग रहा है इसमें कुछ तो भी मिसिंग है इसकी स्पेलिंग सही नहीं है आई वॉज वेरी श्योर इज इज समथिंग रॉन्ग विद स्पेलिंग बट आई कुडेंट फिगर आउट इन दी फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स विच लेटर वॉज मिसिंग इट वॉज़ बिग वर्ड राइट सो आई वॉज श्योर दैट दलिंग वॉज नॉट करेक्ट बिकॉज ऑफ़ विच लेटर आई वॉज एबल टू फाइंड लिटल टाइम मेरे को वहाँ समय लगा पता लगाने में कि कौन से लेटर के ना होने की वजह से ये जो है वर्ड इनकरेक्ट है इसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है अब आप देखिए हमारा दिमाग इसी तरीके से काम करता है कहीं कुछ गड़बड़ होती है कहीं कुछ मिसिंग होता है तो हमारा दिमाग वो चीज़ पहले सेंस कर लेता है एग्जैक्टली exactly क्या है इसको पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है मैं वही आपसे कह रहा हूँ जैसे कि ये क्वेश्चन हमने करा राइट right? अब ये जो थॉट प्रोसेस है अब आपसे अगर बोले वो क्वेश्चन कि इनमें से कौन कौन सा सही है तो अगर आप सही स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे तो सही तो कौन कौन सी हैं बी सी और डी लेकिन ये सही हैं इनको कम से कम सही पता लगाने के लिए यू टू टू रीड एटलीस्ट टाइम्स इफ रीडिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम राइट बट अगर गलत वाली पता लगानी हो तो वो आपकी आंखों में खटकेगा टेम्प्रेरी तो नहीं है चलो एक वर्ड पता पकड़ में आ गया में ये गलत है द पर्सनल डेवलपमेंट फॉर्मली ओनली ओनली क्यों होगा भाई ये तो पूरी जिंदगी भर होता है तो ये भी गलत है तो इस तरीके की चीज़ों को पकड़ने के लिए वट आई वुड सजेस्ट अगर इस तरीके से पूछा जाए विच ऑफ देम आर करेक्ट या विच ऑफ देम इज द राइट कॉम्बिनेशन ट्राई एंड फाइंड द दिच आर इन करेक्ट फर्स्ट सो वंस यू स्टार्ट डेवलपिंग अ हैबिट इट बिकम्स वेरी ईजी क्योंकि ये आपकी आंखों में चुभेंगे गड़बड़ वाले ऑप्शंस इस तरीके से जब आप सोचोगे तो आपका समय भी बचेगा और आप ज़्यादा परेशान भी नहीं होंगे राइट तो इतनी सी छोटी सी जानकारी थी चलिए जब तक चुपके से बच्चों ने ऑप्शन दे दिया पंकज जी कैसे हैं ट्रांजेक्शन मीन्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप चलो देखिए जरा तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्निक दैट हेल्प टू अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन सो दैट कम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव तो कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है कम्युनिकेशन में लेन देन होता है आप अपने आइडियाज अपने थॉट्स को ट्रांसमिट करते हैं और दूसरा बंदा उसे रिसीव करके डी करता है तो कम्युनिकेशन इज़ वॉट एक तरीके से लेन देन ही हुआ तो सिमुलेशन नहीं होगा सेंसिटिविटी ट्रेनिंग नहीं होगा मेंटरिंग यहाँ पर मुझे लगता है नहीं होगा सही आंसर ट्रांजैक्शन एनालिसिस ही होगा डायरेक्ट रिलेशनशिप है हम सामने वाले को कुछ बोल रहे हैं और बदले में वो हमें कुछ और वापस में बोल रहा है तो ये टू वे रिलेशनशिप है इसीलिए हम जो हैं एक टेक्निक की अगर हम बात करें तो हमें जो है बिहेवियर को समझने के लिए हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करें और यहीं पर और यही बेसिकली सबसे बड़ा एडवांटेज है सबसे बड़ा यूज़ केस है ट्रांजैक्शन एनालिसिस का कि किस तरीके से आप अपने कम्युनिकेशन को कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं और दूसरे बंदे के भी बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं है कि नहीं चलिए बहुत बढ़िया परणा जी कैसे हैं बड़े दिनों बाद श्वेता जी नमस्कार कैसे हैं चलो जी क्वेश्चन नंबर छः ले लेते हैं अभी डिपेंडिंग ऑन दी ईगो स्टेट्स ऑफ द परसन इन्वाल्ड इन ट्रांजेक्शन्स तो किस ईगो स्टेट में कौन है डिपेंडिंग इन मे बी थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल्स तो आपने देखा होगा पाकि ईगो मॉडल में एक तो वो ट्रांजैक्शन है जिसमें बायर सेंडर और रिसीवर सेम ही ईगो स्टेट से कर रहे हैं फिर इसने ऐसे करा लेकिन इसने ऐसे करा ऐसा कुछ भी होता है और एक और होता है तो कौन सा वाला जो है जो है वो नहीं होगा एक टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन क्रॉस ट्रांजेक्शन अल्टीरियर ट्रांजेक्शन या फिर मेंटल ट्रांजेक्शन बिल्कुल सही मेंटल ट्रांजैक्शन नहीं होते तीन ही तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉस्ड और अल्टीरियर तो क्रॉस ट्रांजैक्शन जो है सबसे मुश्किल होते क्योंकि आप जिस ईगो स्टेट से सेंड कर रहे हैं मैसेज सामने वाला दूसरी ईगो स्टेट से आपको कनेक्ट कर रहा है तो यहाँ पर क्रॉसड हो जाएंगी कॉम्प्लीमेंट्री में ईगो स्टेट्स के बीच में हो रहा है और अल्टीरियर मतलब हिडन एक तरीके से आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको सरफेस पे तो एक अलग लेवल दिखता है लेकिन अंदर उसका मीनिंग हिडन होता है या परपस उसका हिडन होता है चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन नंबर सेवन देखिएगा डैश इज द रिजिडिटी ऑफ अ परसन बिलीव्स एंड हिज़ और हर ओपननेस टू अदर व्यू पॉइंट्स तो रिजिडिटी है हमारा क्या बिलीफ का और ओपननेस है टू अदर व्यू पॉइंट्स बताइए क्या रहेगा मैकेविलिज्म रहेगा रिजिडाइज रहेगा डॉगोमैटिक रहेगा या फिर स्टीरियो टाइप ये एक नेगेटिव ट्रेट है जो कि सोशली अनडिजायरेबल ट्रेट है तो ये तो नहीं है ए इसका जो सही आंसर है वो है डॉगोमेटिक डॉगोमेटिज्म जो है क्योंकि तो रिजिडिटी मतलब एक तरीके से हम रिजिड हो गए यानी कि हमारा जो बिलीफ है दूसरों के बारे में आसानी से चेंज नहीं होता तो डॉगोमेटिजम इज द रिजिडिड एंड ओपन माइंडेड डिस्क्राइब पीपल हु आर मोर और लेस डॉगोमेटिक बोलते हैं अभी क्लोज माइंडेड है हम कुछ बोलते हैं वो सुनते ही नहीं हम कुछ बोलते हैं वो समझते ही नहीं ओपन माइंडेड यानी कि दूसरों के व्यक्तित्व के साथ साथ हम अपने विचार को भी बदलें कुछ कह रहा है तो उसको सुने ठंडे दिमाग से पहले समझें कुछ लोग होते हैं जो बदलाव एक्सेप्ट ही नहीं करते क्लोज माइंडेड होते हैं तो ज़्यादा डॉगमेटिक हैं लेस डॉगमेटिक हैं जो ओपन माइंडेड हैं तो सी इज दी करेक्ट आंसर मैकेज इज इज बेसिकली मैनिपुलेटिव और इन्फ्लुएंसिंग अदर पीपल एज द प्राइमरी वे ऑफ अचीविंग उस लोगों को मैनिपुलेट करके काम करवा रहे हैं तो हो गया प्रिजुडाइज तो पता ही है आपको किसी के लिए अगर आप कोई धारणा बना ले और उस, उसको जो है तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है राइट चलिए क्वेश्चन नंबर आठ हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर आठ की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चे अब आपको ये तो बड़ा ही आसान हो गया इंडिविजुअल बिहेवियर मॉडल्स की बात हो रही है और कॉन्ट्रीब्यूटरी तो किस कंसेप्ट को किसने कॉन्ट्रीब्यूट किया सिगमेंट फ्रूड यहाँ पर हैं फेडरिक विस्लॉ टेलर यहाँ पर हैं डगलस मैद्रेगर हैं और क्रिस अगर अग्ररिस हैं तो ये बताएं मुझे आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर आठ का तो थ्योरी uh, एक्स और थ्योरी वाई यानी कि दो तरीके के सुपरवाइजर्स या मैनेजर्स होते हैं जो मैनेजर्स थ्योरी एक्स में बिलीव करते हैं वो उनको लगता है कि माइक्रो मैनेजिंग करना पड़ता है कोई भी अपने आप से काम नहीं करता उन लोगों को फॉलो अप करना होता है थ्योरी वाई वो थॉट प्रोसेस जहाँ पे लगते हैं कि नहीं लोग मच्योर हैं समझदार हैं अपने आप से काम करेंगे माइक्रो मैनेजिंग की ज़रूरत नहीं है तो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई जो है वो जिन्होंने दिया था उनका नाम है डगलस में ग्रेगर तो ए का जो है मैचिंग आप करिए थ्री के संग जब आप ए का मैचिंग थ्री के संग करेंगे तो बहुत बढ़िया काम होगा केवल एक ही ऑप्शन आपका कटेगा आगे चलें और अगर आप देखें सिगमेंट फ्रूट को तो सिगमेंट फ्रॉइड या सिगमेंट फ्रूट अलग अलग तरीके से लोग प्रोनाउंस करते हैं तो सिगमेंट फ्रॉइड की अगर हम बात करें तो सी का जो है आप बताएं सॉरी बिहेवियरल मॉडल ना तो आ, फ्रूड का थ्योरी किससे कनेक्ट करेंगे बताएं चलिए मैं पहले वेट करता हूँ ज़्यादातर बच्चे बोल रहे हैं बी ओ माय गॉड बी अच्छा जी तो चलिए यहाँ पे थोड़ी सी गुगली है और टेलर का कंट्रीब्यूशन कहाँ है इकोनॉमिक मॉडल में बिहेवियरल मॉडल में या फिर रैशनल मॉडल में तो फेडरिक विस्टलॉ टेलर को ना मॉडर्न मैनेजमेंट से भी रिलेट किया जाता है और इनका जो थ्योरी है मैनेजमेंट का वो काफ़ी कुछ जो है इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को लेके चलता है क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट हो और आपका एफ डब्ल्यू टेलर हो तो फेअल और टेलर जो हैं क्लासिकल अप्रोचेज़ हैं जहाँ पर फोकस था प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी और इस तरीके से आगे लेके जाने का तो बी का मेरे हिसाब से टू ज़्यादा सूटेबल है तो अगर हम ए का थ्री रखें डगलस मैग्रेगर और बी का अगर हम टू रखें तो यहाँ तक बात हमें लग रहा है सही बननी चाहिए तो सी की अगर हम बात करें तो बिहेवियल मॉडल ठीक है और रैशनल लीगल मॉडल जो है फ्रीड ने दिया ठीक है तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है मेरे को ऑप्शन डी जो है इट साउंड्स गुड तो डगलस मैग्रेगर फार्मुलेटेड थ्योरी एक्शन थ्योरी हुआ ये तो हम जानते ही हैं

तो आप जानते हैं ये सिगमेंट फ्रॉइड का काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है ट्रांजेक्शन एनालिसिस का भी उन्होंने बेसिस दिया था तो एरिक बर्न ने जो काम किया है वो इनके वर्क के ऊपर ही उन्होंने आगे ये काम बढ़ाया चलिए आगे आ, बढ़ते हैं यस क्वेश्चन नंबर नाइन की ओर मैच दी बिलो मट एस्पेक्ट्स विद मेन बिहेवियरल एंड डिसिप्लिन तो यहाँ पर भी हमारे पास साइकोलॉजी दिया हुआ है एंथ्रोपोलॉजी दिया गया है सोशोलॉजी और साइकोलॉजी दिया गया और पॉलिटिकल साइंस आपको दिया गया तो लीडरशिप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्रॉस कल्चरल एंड पावर तो मुझे बताएं यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है और बड़ा ही आसान इसका ट्रिक है या अप्रोच होना चाहिए ज़्यादा आप लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं तो आप लोगों को दिक्कत होती है बट अगर ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो मुझे लगता है बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं ए बोल रही है श्वेता ठीक है देखिए यहां पर जो है आप बहुत ठंडे दिमाग से अगर सोचेंगे तो डी पावर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसका पॉलिटिक्स का राइट तो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट गेनिंग एंड एक्सरसाइजिंग एंड बेनिफिटिंग फ्रॉम पावर राइट तो डी का जो है वो फोर होना चाहिए मेरे हिसाब से अब बाकी भी बिठा के देखते हैं चलिए ए लीडरशिप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट सही बात है एंथ्रोपोलॉजी हमें हेल्प करता है इसमें समझने में ग्रुप एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ये हमें सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी हेल्प करता है और क्रॉस कल्चरल एनालिसिस जो है वो साइकोलॉजी लोग किस तरीके से सोचते हैं उनकी साइकी क्या है ये थोड़ा सा इस पर डिस्कशन भी बनता है तो एंथ्रोपोलॉजी इज कंसिडर्ड विद स्टडी ऑफ ह्यूम लीडरशिप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट आर अ पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी सोशोलॉजी इज कंसर्ड विद स्टडी ऑफ पावर ऑफ ग्रुप्स एंड सोसाइटीज़ एट लार्ज साइकोलॉजी ऑन दी अदर हैंड इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ़ दोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी वेराइज क्रॉस कल्चरल एनालिसिस पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस टू स्टडी ऑफ पावर स्ट्रक्चर यस तो ग्रुप की अगर हम बात करें सोसाइटी सोशोलॉजी अगर हम पावर की बात करें तो पॉलिटिक्स और अगर हम ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी तो ये तीन तरीके से आप एक ब्रॉड लेवल पे कैटेगराइज कर सकते हैं चलो जी आगे बढ़ते हैं लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर टेन द ऑपरेंट कंडीशनिंग और लर्निंग अप्रोच टू बिहेवियर इज बेस्ड ऑन व्हाट लॉ ऑफ रीइंफोर्समेंट लॉ ऑफ इफेक्ट लॉ ऑफ रिप्रोडक्शन लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशंस बढ़िया क्वेश्चन है और इस पे हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर चुके हैं बताए जी स्टिमुलस स्टिमुलस रिस्पांस रिस्पांस का बात हो रहा था कि हम जो है अल्टीमेट चीज हाँ तो लॉ ऑफ री नहीं है यहाँ पे लॉ ऑफ इफेक्ट आएगा बच्चों तो इफेक्ट क्यों आएगा क्योंकि अगर हम रिजल्ट को चेंज कर लेंगे तो हमारे पास चेंज रहेगा तो थ्योरी ऑफ लर्निंग अप्रोच वाज गिवन बाय स्किनर गुड बिहेवियर इज रिवॉर्डेड बैड बिहेवियर इज क्या बात हुआ था अगर आपको रिवॉर्ड मिलेगा तो आप ऑटोमेटिकली अच्छा बिहेवियर करना शुरू कर देंगे और इसी तरीके से गुड बिहेवियर विल वेज पीपल टू वर्क मोर इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन चलिए क्वेश्चन नंबर ग्यारह देख लिया जाए यहाँ पर आपको यहाँ पर परसेप्शन का प्रोसेस दिया और कुछ एलिमेंट्स दिए ग्रुपिंग एक एलिमेंट दिया हुआ है सीरो टाइपिंग एक एलिमेंट दिया हुआ है इंटरनल एक्सटर्नल एक एलिमेंट दिया हुआ है इम्प्रेशन फॉर्मेशन एक एलिमेंट दिया है और परसेप्शन का प्रोसेस की अगर हम बात करें तो स्टिमुलाय ऑर्गेनाइजिंग इंटरप्रेटिंग और रिएक्टिंग देखें जरा बताएं जी क्या होगा यहाँ पर सही आंसर क्वेश्चन नंबर इलेवन इलेवन का बी बोल रहे हैं। देखें जरा का का yes, तो ए तो थ्री ठीक लग रहा है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है बी का ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग इज वॉट ग्रुपिंग रिलेटेड एक्टिविटीज टुगेदर कोई दिक्कत नहीं है इंटर

स्टेटमेंट नंबर वन हमको दिया है ऑल दो कल्चर प्लेज रोल इन पर्सनलिटी डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव राइट चलो तो स्टेटमेंट नंबर वन क्या बोल रहा है ऑल दो कल्चर सिग्निफिकेंट रोल इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अ लिनियर रिलेशनशिप कैनोट बी स्टैब्लिश बिटवीन कल्चर एंड पर्सनैलिटी बोल रहे कल्चर और पर्सनालिटी के बीच में एक रिलेशनशिप हम इस्टेब्लिश नहीं कर सकते अच्छा जी चलो ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं अभी द एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल सब सिस्टम विद इन द सेम कल्चर कैनॉट इन्फ्लुएंस दर्सनैलिटी चलिए बताएं जी यहाँ पर क्या होगा कहानी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व तो देखो स्टेटमेंट टू तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ सब सिस्टम्स विल इन्फ्लुएंस दी पर्सनालिटी तो स्टेटमेंट टू इज डेफिनेटली इनकरेक्ट इन दो तो हटा दिए हमने अब देखें या तो आंसर बी होगा या डी ऑल्सो कल्चर प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन पर्सनलिटी डेवलपमेंट अ लीनियर रिलेशनशिप कैनोट बी स्टैब्लिश यस तो क्योंकि जरूरी नहीं है कि कल्चर से पर्सनालिटी डायरेक्टली रिलेटेड हो कई बार कोई रिलेशनशिप नहीं भी होता इसीलिए वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट ऑप्शन बी बी शुड दी आंसर द वॉइस ऑफ जस्टिस ट्राइड रेजिंग वॉल्यूम बट समाउ दिस इज देश कैन डू सो लेव टू बे विद मी फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स नेक्स्ट टाइम मेक शोर दैट दिसन बट एज राइट ना इससे ज़्यादा आवाज जो है अपन नहीं बढ़ा पा रहे राइट आपको अपने एंड पे हो सकता है कुछ फाइन ट्यूनिंग करना पड़े राइट चलो आगे बढ़ते बच्चों ओके ठीक है अरुण गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून कैसे हैं चलिए क्वेश्चन तेरह पे आते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के क्या लेवल्स हैं सेप्ट में अजम्स हैं वैल्यूज हैं आर्टिफैक्ट्स हैं और मीनिंग्स में हमको ये मीनिंग दिया हुआ देखें जरा क्वेश्चन नंबर थर्टीन तो की वर्ड्स देख लें अजम्पन हमने मान लिया अज्यूम कर लिया ये थिंग्स फॉर ग्रांटेड वैल्यूज प्रिंसिपल्स इथॉ एथिक्स आर्टिफैक्ट समथिंग विच इज विजिबल एंड फिजिकल आपने पढ़ा होगा टैंजिबिलिटी जब हम मार्केटिंग पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम बोलते हैं सर्विस क्या है इन टैंजिबल उनको टैंजिबलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं आर्टिफैक्ट फिजिकल एविडेंस तो आर्टिफैक्ट इज बेसिकली समिंग विच इज फिजिकल एंडबल तो मुझे लगता है आपको आपका आंसर मिल गया ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी नहीं है बच्चे आर्टिफैक्ट हो 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 गया ये, हो गया ये, वैल्यूज़ गए प्रिंसिपल्स और चलिए जी आगे बढ़ा जाए अगला क्वेश्चन लिया जाए हम्म तो किस कंसेप्ट से क्या मीनिंग निकलता है इंटरनल स्ट्रेसर एक्सटर्नल स्ट्रेसर डेवलपमेंटल स्ट्रेसर और सिचुएशनल स्ट्रेसर देखें जरा बच्चों किससे क्या निकलता है मीनिंग डेवलपमेंटल स्ट्रेसर ये इंटरेस्टिंग है इसको आप यूज कर सकते हैं मैचिंग बनाने के लिए चलिए देखें जरा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या रहेगा सही आंसर का आंसर दे रहे हैं डी डी तो मुझे लगता है डी जो है यहां पर सही आंसर होना भी चाहिए फोर्टीन का देखें जरा इंटरनल स्ट्रेसर अंदर से आता है तो ये हो गया तो ए का तो थ्री होना चाहिए अरे मर गई इससे तो हलवा छाप क्वेश्चन ही नहीं बना ये तो सवाल शुरू होते ही ख़त्म हो गया दोस्त मतलब इंटरनल स्ट्रेसर तो अंदर होगा एक्सटर्नल होगा आउटसाइड तो बी का फोर लो भैया ये दो में ही काम हो गया बाकी आप मैनेज कर सकते हैं तो बी का हो गया फोर डेवलपमेंटल सी का हो गया अकर्स एट टाइम थ्रू आउट द लाइफ एंड टूर्ज आर बेसिकली लाइफएशनलबल सिचुएशन के हिसाब से चलेगा चलो जी आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर पंद्रह लेने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर मैस्लो के हरार ऑफ नीड्स की बात हो गई फिजियोलॉजिकल नीड्स सिक्योरिटी नीड्स स्टेटस नीड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स मुझे लगता है बहुत ही सरल है ये सेल्फ एस्टीम एंड ईगो थॉट्स एंड एक्शन ऑफ प्रोटेक्शन सेल्फ रियलाइजेशन इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट लुक्स फ्रेंडली देखिए जरा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्या होगा आंसर खुशबू जी कैसे हैं गुड आफ्टरनून सुनंदा जी कैसे हैं आपको भी गुड आफ्टरनून बताएं जी क्या होगा आंसर पंद्रह का डी देखे जरा मैच करके ए फिजोलॉजिकल नीज हां बिल्कुल एनवायरमेंट में ही तो हमको रहना है तो रोटी कपड़ा में कान एनवायरमेंट के हिसाब से हमें चाहिए बी सिक्योरिटी नीड्स अब सिक्योरिटी के लिए हम क्या करेंगे जाहिर सी बात है हमको प्रोटेक्शन और हमारा जो है फोकस जो होना चाहिए सेफ्टी प्रोटेक्शन यही हो गया स्टेटस का नीड जो हो गया सेल्फ स्टीम और ईगो से हो गया और लास्ट में सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन यानी कि भाई मैं खुद को और बेहतर तरीके से जानना चाहता हूँ और मैं एक बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ मैं जिस तरीके से भी सोचता हूँ अपने विचारों को और बेहतर करना चाहता हूँ सेल्फ रियलाइजेशन है बॉस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है चलिए जी कुछ बोनस क्वेश्चंस भी करा देता हूँ आप लोगों को बड़े दिनों बाद मुलाकात तो ये जी चलो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखें जरा स्टेटमेंट नंबर वन क्या बोल रहा है मोटिवेशन इज एन इजी साइकोलॉजिकल प्रोसेस यूज्ड एट एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वन इन अ फाइनेंशियल ईयर तो मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो हर ऑर्गेनाइजेशन हर लेवल पे करती है साल में एक बार अच्छा जी लीडरशिप Is the personal quality to influence the पर्सनल क्वालिटी टू the goals टू अचीव organization ठीक है अब यहां बताएं आंसर जो है क्या होने वाला है कोई बात नहीं हर्षराज प्रयास पूरा रहेगा मित्रवर अगर कहीं आपको लगे कि थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया तो मेरे को टोक देना भाई यूट्यूब पे हम हैं ऐसा कोई हाय तो नहीं है कि मेरे को कुछ टाइम फॉलो करना है मैं आप लोगों के लिए आया हूँ कहीं आपको लगे तो बता दीजिएगा मैं उस क्वेश्चन को धीरे से समझा दूंगा ठीक है जी चलिए आप यहाँ देखो अब आप खुद सोचो खुद सोचो कि क्या मोटिवेशन समय के संग बांधा जा सकता है भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम हर अप्रैल में मोटिवेशन करते हैं हर सितंबर में मोटिवेशन करते हैं नहीं बस <laughs> साल में एक बार मोटिवेशन नहीं होता मोटिवेशन तो हमें चाहिए चाहिए ही पड़ेगा जब तक परीक्षा नहीं होए तब तक तो चाहिए ही चाहिए फिर आगे के तो मोटिवेशन तो नहीं हो सकता यहाँ होगा आप या इवेल्यूएशन या परफॉर्मेंस इवेल्यूशन साल में एक बार यूजली क्यों होता भैया पैसा लगता है खर्चा होता है समय चाहिए करने के लिए तो मोटिवेशन तो नहीं हो सकता वन तो पक्के में गलत है तो जहाँ जहाँ वन है यू कैन चॉक इट आउट ये बिल्कुल बिल्कुल सही है। है है है। है तभी तो लोग influence तो जो है, वो तो तो हैं। जो 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 वो 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 निकली, लेकिन आ, motivation is a continuous process यार। तुम तो मतलब motivation को नाप तोल के थोड़ी ना दे पाओगे साल में एक ही बार इसका डोज मिलेगा ऐसे सोचो थोड़ा सा हंसी मजाक के मूड में तो नहीं हो पाएगा राइट तो so मोटिवेशन पे यू कैनोट की टैप राइट चलो ये हो गया और मेरे ख्याल से हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है अपना तो ध्यान दीजिएगा और इस क्वेश्चन में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करिएगा सोशन बोल रहा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लाइक लैक ऑफ मनी इंक्रीज डेट्स ओवर ड्यू इंटरेस्ट क्रिएट स्ट्रेस हाँ भैया फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर हो लैक ऑफ मनी हो जाए सैलरी ना आए आपकी एक महीना दो महीना तीन महीना और आपकी उधारी बढ़ती चली जाए मकान की किस्त देनी है गाड़ी की किस्त देनी है बच्चों की फीस भी ड्यू है और ब्याज भी बढ़ता ही जा रहा है ब्याज बढ़ता ही चला जा रहा है तो इससे स्ट्रेस होगा कि नहीं होगा चलो असर्शन तो यही है इसके पीछे का रीज़न देख लेते हैं फाइनेंस इज़ दी लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस तो किसी भी बिज़नेस पर फाइनेंस जो है वो लाइफ ब्लड है भैया इसके बिना कुछ नहीं होगा सारी दोस्ती यारी रिश्ते नाते जो हैं तभी अच्छे लगते हैं जब आपकी जेब में पैसे हो, है कि नहीं <laughs> बताइए सही कह रहा हूँ कि नहीं तो भैया ये तो है ज़रूरी तो बताएं आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर सत्रह का क्वेश्चन नंबर सत्रह का आंसर होगा ऑप्शन ए दोनों ही सही हैं और आर सही एक्सप्लेनेशन है ए का क्योंकि तो भैया पैसा जो है वो टॉप थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों में आपके लाइफ के होना चाहिए राइट तो भैया बोला कि नहीं तो तो पहला सुख तो निरोगी काया है और उसके बाद जो है माया की बात आ जाती है मुद्रा की बात आ जाती है तो ऑब्वियसली दिस इज़ नीडेड वेरी मच नीडेड एंड दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर आई रजनी हाव इज यू डूइंग कैसे हैं आप तो मुझे लगता है ये तो सरल था क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से सबसे ज़्यादा ट्वेंटी से लेकर थर्टी परसेंट तक जो सर्वे हुआ है जनरली इज द रीज़न के फाइनेंशियल इश्यूज़ के चलते जो है एम्प्लॉज जो है स्ट्रेस में रहते हैं वर्क प्लेस में भी स्ट्रेस अगर होगा आपकी बॉस से नहीं बने कलीग से नहीं बने तो भी आपको स्ट्रेस हो जाएगा पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं और हेल्थ को लेके भी बट सबसे बड़ा ये दो कारण हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेस के तो ये मेजर स्ट्रेसर्स में से एक आते तो एक बार फिर से बता दूँ जो लोग अभी जुड़े हैं कि भाई दो बजे दोपहर को मिलूँगा थर्सडे और सैटरडे तो आज चूंकि थर्सडे है दोपहर तो को दो बजे दोबारा मिलेंगे और थर्जडेज और फ्राइडेज में मिलूँगा यूट्यूब पे तो आज तो थर्सडे है बारह बजे कल भी अपनी मुलाकात बारह बजे ही होने वाली लेट हो गए आज कोई बात नहीं रिकॉर्डिंग देखिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ मैं आपको मिलूँगा दोपहर दो बजे एप्लीकेशन पर इसी तरीके से ज़ोरदार शानदार जानदार क्वेश्चंस को करेंगे सेशन को आगे बढ़ाएंगे तब तक के लिए बाय गॉड ब्लेस यू टेक केयर